लक्ष्य यानी कि जो टारगेट होता है ये आपका बस एक ही होना चाहिए। यानी कि अगर आपने सोचा है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको सरकारी नौकरी पाने के लिए बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने टारगेट बनाया और उसके लिए तैयारी करना शुरू किया, अगर आपका तैयारी करने का तरीका सही नहीं है तो आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, रास्ते में जो है आप ब्रेक हो जाएंगे। तो देखिए, हमेशा किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए सही रास्ते यानी कि सही निर्णय, सही तरीके की जरूरत होती है। वो सही तरीका क्या है मैं आपको डेली बताते रहता हूँ कि आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए। यानी कि अगर आपको यूपी पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आप सबसे पहले यूपी पुलिस का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें एक एक टॉपिक को पूरी गहराई के साथ पढ़िए और फिर देखिए आप पहले अटेम्प्ट में भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम यानी कि कोई भी एग्ज़ाम जो है क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो लक्ष्य तक पहुँचने के लिए क्या होता है, रास्ते अनेक होते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता बदलो, लेकिन अपना जो टारगेट बनाया है कि मुझे यूपी पुलिस में जाना है, ये अपना लक्ष्य बरकरार रखो, ठीक है। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट। और आपको बता दूं आज जो 18 अप्रैल के करंट अफेयर है ये बहुत ही सेलेक्टिव है, तो शुरू से चला सा वीडियो बना देगा। और जैसा कि आपसे डेली जो है वीडियो क्लास में क्या पूछा जाता है, 5 क्वेश्चन डे, तो इसके आंसर भी आपको बताने हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको जो है इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी पुस्तक जो है ये किसकी आत्मकथा है। तो देखिए, ये आत्मकथा है सुरेश रैना की। याद रखिएगा, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये जो है सुरेश रैना की आत्मकथा है। और ये पुस्तक रैना और खेल लेखक भरत सुंदरसन द्वारा संलिखित है। ये जीवनी प्रतिष्ठित प्रकाशन हाउस पेंगुइन इंडिया के द्वारा प्रकाशित की गई है। और दूसरा प्रश्न, किस खिलाड़ी को विजडन अल्पनाक के 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया है। तो देखिए, ये क्रिकेटर चुने गए हैं आपके विराट कोहली। याद रखिएगा, विराट कोहली को जो है विजडन अल्पनाक के 2010 के दशक का वनडे क्रिकेटर चुना गया है। देखिए, पहले वनडे इंटरनेशनल की जो 50वीं वर्षगांठ थी इसको मनाने के लिए दशक यानी दशक मतलब होता है 10 साल, ठीक है। तो दशक के 5 एक दिवसीय क्रिकेटरों को विजडन अल्पनाक के 2021 संस्करण में सूचीबद्ध किया गया है। 1971 और 2021 के बीच प्रत्येक दशक के एक क्रिकेटर का चयन किया गया है। यानी कि 1971 से 1981 के बीच में सबसे बेस्ट वनडे क्रिकेटर कौन रहा, ऐसे ऐसे करके जो है कैटेगरी बनाई गई है। और टोटल यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 1971 और 2021 के बीच में प्रत्येक दशक से एक क्रिकेटर का जो है चयन किया गया है। और टोटल 5 एक दिवसीय क्रिकेटरों को जो है विजडन अल्पनाक के 2021 संस्करण में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये क्रिकेटर कौन है, देखिए, भारत के क्रिकेट कप्तान विराट कोहली जो है ये विजडन अल्पनाक के 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर चुने गए हैं। सचिन तेंदुलकर 1990 के दशक के वनडे क्रिकेटर चुने गए हैं। कपिल देव 1980 के दशक के लिए वनडे क्रिकेटर के रूप में नामित किए गए हैं। और इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी जो है ये लीडिंग वीमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुने गई हैं। और वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर किरान पोलार्ड जो है इनको लीडिंग T20 क्रिकेट इन द वर्ल्ड चुना गया है। और इस बीच जेसन होल्डर, मोहम्मद रिजवान और डोमिनिक सिबली और जैक क्राली और डेरेन स्टीवंस को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। तीसरा प्रश्न, कि 8वां भारत किर्गिज संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है ये किस स्थान पर आयोजित किया गया। तो देखिए, ये प्लेस आपका है बिश्केक। याद रखिएगा, किर्गिस्तान की जो राजधानी बिश्केक है, यहाँ पर अभी हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच का जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर है इसको आयोजित किया गया। इस अभ्यास को पहली बार देखिए 2011 में शुरू किया गया था। और इस अभ्यास में उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र, पर्वत युद्ध और काउंटर एक्सट्रीमिज्म अभ्यासों पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। और किर्गिस्तान की बात करें, इसके साथ हमने ये खंजर अभ्यास किया है। तो देखिए, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सादिर जापरो और मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। चौथा, कि विश्व हीमोफीलिया दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व हीमोफीलिया दिवस को हम मनाते हैं 17 अप्रैल को हर साल। और 2021 के लिए विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम क्या है, परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल यानी कि अडाप्टिंग टू चेंज, सस्टेनिंग केयर इन द इन ए न्यू वर्ल्ड। और देखिए, ये दिन जो है ये 1989 से आयोजित किया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक स्नेबल का जन्मदिन है।
और हीमोफीलिया क्या है? देखिए, हीमोफीलिया एक दुर्लभ विकार है जिसमें आपके रक्त में सामान्य रूप से थक्का यानी कि जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में जो आपका रक्त थक्का प्रोटीन कारक होता है इसका अभाव हो जाता है। और आपको बता दूं हीमोफीलिया क्या है, देखिए यदि आपको हीमोफीलिया हो गया है तो चोट लगने के बाद होता है। आपने देखा होगा कि जो रक्त स्राव है ये मतलब बिल्कुल रुकता ही नहीं है, खून बहता जाता है। और जो देखिए सामान्य व्यक्ति होगा उसका अगर कहीं पे हाथ कट गया तो थोड़ी देर रक्त बहेगा, फिर वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया हो गया है इसका खून लंबे समय तक बहता रहता है, और हो सकता है कि अगर खून पूरा बह जाए तो फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन प्रकृति ने क्या बनाया हमारे शरीर में कि थोड़ा सा कहीं कट लगेगा तो थोड़ी देर तक खून बहेगा, थक्का जमेगा और फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और देखिए एक संस्था है हीमोफीलिया संबंधी जिसका नाम है वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया, इसी के द्वारा ये दिवस मनाता है। और इस संस्था यानी कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक हैं फ्रैंक स्नाबेल। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी, मुख्यालय इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। पांचवा कि हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो देखिए देश आपका है अमेरिका, यार अमेरिका जो है इसने अफगानिस्तान से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की हाल ही में। देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बिडेन ने जो है इन्होंने घोषणा की है कि इस साल 11 सितंबर तक सभी अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान से हटा लिया जाएगा, जिससे देश के सबसे लंबे समय से चलने वाले युद्ध को जो है समाप्त कर दिया जाएगा। तो अमेरिका जो इसने कहा है कि अफगानिस्तान से ये अपनी पूर्ण सैन्य वापसी कर रहा है, ठीक है, और ये कब करेगा? 11 सितंबर तक। और देखिए एक इन्फॉर्मेशन है, जो मार्च वाला वीडियो ये अभी तैयार नहीं हुआ था, थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन इसका जो पीडीएफ है ये मैंने फ्री कर दिया इस महीने के लिए। आप पूरे अप्रैल महीने तक मार्च 2021 का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक कीजिए और तुरंत अपनी कॉपी सुरक्षित कर लीजिए। छठवां प्रश्न, ये हाल ही में किस मंत्रालय ने आहार क्रांति मिशन शुरू किया है? तो देखिए आहार क्रांति मिशन को शुरू किया है भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने। देखिए हाल ही में जो आपका ये आहार क्रांति मिशन है, ठीक है, तो इसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। ये अभियान भारत के पारंपरिक पोषक आहार, स्थानीय फलों एवं सब्जियों की उपचारात्मक शक्तियों तथा संतुलित आहार के गुणों से लोगों को रूबरू कराकर आहार की उपलब्धता के बावजूद भूख और कुपोषण की विरोधाभासी स्थिति के समाधान की पहल प्रस्तुत करता है। और सातवां प्रश्न की हाल ही में पीएम केयर्स के तहत देश में कितने नए खुद के ऑक्सीजन प्लांट सहित अस्पतालों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो देखिए इन अस्पतालों की संख्या टोटल 100 यानी कि 100 है। देखिए ये महत्वपूर्ण निर्णय जो है ये इम्पावर्ड ग्रुप द्वारा आयोजित मीटिंग में लिया गया। ये मीटिंग कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अस्पतालों में चिकित्सक उपकरणों और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के विषय पर आयोजित किया गया था। आठवां की नासा की स्थिति को स्पेस एक्स क्रू के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। तो देखिए नासा जो है ये 22 अप्रैल को, देखिए 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर जो है नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये क्या करेगा, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। देखिए नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसको याद रखिएगा। और नासा जो है देखिए अमेरिका की एक प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, ठीक है, तो इसके साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च करेगा और ये क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशन फ्लाइट होगी, ठीक है। देखिए नासा और स्पेस एक्स की बात करें तो नासा का मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी, और जो आपका स्पेस एक्स के संस्थापक हैं और सीईओ हैं एलन मस्क, और इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसका भी मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है, ठीक है। और देखिए जो आपका क्रू ड्रैगन है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए क्रू ड्रैगन जो है ये 9 सालों में अमेरिकी धरती से मनुष्यों को लॉन्च करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। इसे पहली बार मई 2020 में लॉन्च किया गया था। ये नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के माध्यम से वित्त पोषित किया गया था, और ये ड्रैगन 1 नामक पहले के डिज़ाइन से विकसित किया गया था। 2012 और 2020 के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कार्गो पहुंचाने के लिए, कार्गो क्या होता है, मालवाहक जहाज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कार्गो पहुंचाने के लिए ये मिशन पर ड्रैगन 1 को 20 से अधिक बार लॉन्च किया था। स्पेस एक्स क्रू 1 जो है पहली बार था जब अंतरिक्ष यात्रियों ने एक निजी कंपनी के द्वारा विकसित और लॉन्च किए गए अंतरिक्ष यान का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ये अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी पर वापस लेकर आया था, यानी कि यह अंतरिक्ष में ले भी गया था यात्रियों को और वापस भी लेके आया था, और कुछ ऐसा ही भारत का भी प्लानिंग है 2022 तक, ठीक है।
और नासा के बारे में बता ही चुका हूँ, रिपीट हो गया। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा गंभीर प्रश्न है, इसको ध्यान सुनिएगा। देखिए भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट जो है, इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपना पहला गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। देखिए इससे पहले इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में बहुत सारे पदक जीते हैं, लेकिन अब तक गोल्ड मेडल नहीं जीता था। और ये गोल्ड मेडल इन्होंने किसको हरा कर जीता है? ताइपे की मेंग सुआन हसी को हरा कर। ठीक है, देखिए विनेश ने इससे पहले 4 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल और 3 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते थे। ये इनका तीसरा स्वर्ण पदक था, लेकिन एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में इनका पहला पदक था। देखिए इन्होंने 2016 में अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त किया था, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था किसको? विनेश फोगाट को। और दसवां प्रश्न है कि 9 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.344 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ कितना रहा? तो देखिए 9 अप्रैल 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, यह आपका रहा 581.213 अरब डॉलर। ठीक है, देखिए विदेशी मुद्रा भंडार में 4 चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, विदेशी मुद्रा संपत्ति कितनी है, गोल्ड रिजर्व कितना है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ एसडीआर कितना है, और आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के साथ रिजर्व की स्थिति कितनी है। तो ये चारों अमाउंट यहाँ पे दिया गया है, इसको प्लस करेंगे आप तो आपको ये 581.213 अरब डॉलर का ये अमाउंट मिल जाएगा। देखिए विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत चौथे स्थान पर है और इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, आंसर बताइए। और दूसरा कि विश्व आवाज दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए जल्दी से। और तीसरा कि हाल ही में किस पूर्व चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, बताइए। चौथा कि हिमाचल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, बताइए। पांचवा कि किस मराठी फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फीचर अवार्ड जीता, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सूत्रों में। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि जिनमें से किस फिल्म को संघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2021 के लिए चुना गया है, तो देखिए ये फिल्म है द ग्रेट इंडियन किचन। और दूसरा था कि किस भारतीय महिला को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के एसोसिएट प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो देखिए इनका नाम है उषा राव मोनारी। और तीसरा था कि किस राज्य पर केंद्र शासित प्रदेश ने गरीब छात्रों के लिए लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम शुरू किया, तो देखिए इसको दिल्ली ने शुरू किया है। और चौथा था कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो देखिए इनका नाम है संजीव कुमार। और पांचवा था कि किसे जो है देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो देखिए इनका नाम है आशुतोष भारद्वाज। तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया की सभी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।